इसका मतलब भारत सरकार जो चल रही हो अडानी चला रहा है, ना कि मोदी चला रहे हैं। अगर वो किसान के बेटे होते तब किसानों के हित में काम करते ना, खोले आम देश के सारी संपत्ति अब अडानी अंबानी को उन्होंने वो सौंप दिया। अगर हमारा किसान भूखा है, सड़कों पर है, तो किसान सरकार की नाकामी है। आप ऐसे कैसे बोल सकते, विश्व पटल पे भारत अपना नाम रोशन कर रहा है, विश्व पटल पे भारत अपने देश को भी बेच दिया है। उनकी जो नीतियाँ हैं उसे किसानों की आय दुगनी नहीं हो सकती। आज भाजपा की है तो भाजपा के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, कल कांग्रेस की आई कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन तो होता ही रहेगा। हिंदू राष्ट्र कभी बन ही नहीं सकता, नहीं बन सकता। मैं घोषणा कर रही हूँ, हम कैसे पढ़ाएं बच्चों को, हम कैसे चलाएं जीवन को। अरे मुफ्त में लुटती फसल हमारी, मुफ्त में लुटती फसल हमारी, हमें MSP नहीं मिलती। किसान हमेशा एक ऐसी कौम है जो किसी से न डरी है न डरेगी। नमस्कार, मैं शिखा सिंह अभी दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद हूँ और मेरे साथ है उत्तर प्रदेश की किसान महिला अध्यक्ष, है ना, तो इनसे बातचीत करते हैं। ये मेरा आंदोलन है और आंदोलन चल रहा है भारतीय किसान यूनिटी कैद का, और यहाँ तो संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरा भारत कृषि प्रधान देश है, और जब कृषि प्रधान देश है तो किसानों की सुननी चाहिए। अब वर्तमान सरकार या केंद्र सरकार को कहें कि वो किसानों की आय दुगनी करने के लिए वादा तो किया, लेकिन वो किसानों के साथ ऐसा ऐसा बिहेव किया, व्यवहार किया, जिससे कभी उनकी आय दुगनी हो ही नहीं सकती। उनकी जो नीतियां हैं उससे किसानों की आय दुगनी नहीं हो सकती। अच्छा। अब आप ये सोच लो कि किसानों की जब फसल खेतों में तैयार हुई तो उसके रेट गिर गए। आज अभी 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 की बात बता रहे हैं कि आलू की खुदाई हुई, किसानों की आलू का रेट 2 रुपये KG हो गया, और जब हमारे किसानों की आलू अपने खेतों से बाजार चली जाएगी तो आलू का रेट बाजार के भाव मिलने लगेगा, तो बताइए किसान को कहाँ फ़ायदा हो रहा है। तो किसान आंदोलन जो है, ये जो हो रहा है, ये पहले भी एक बार हो चुका है और इस बार भी फिर से आप लोग कर रहे हैं, तो उस बार सरकार ने तो बोला था कि सारी मांगे पूरी हो गई हैं, अब किसान अपने अपने घर लौट जाइए। नहीं, किसान झूठ, सरकार झूठ बोल रही है। 13 महीने मेरा गाजीपुर पर आंदोलन जो चला था, वहाँ पर 3 कृषि काले कानून बिल को लेकर आंदोलन हो रहा था, उसको भारत सरकार ने कहा था कि हम वापस लेते हैं, उन्होंने वापस लिया। लेकिन उसके साथ हमारा मुद्दा और था ना कि MSP गारंटी कानून अधिकार को लाने के लिए, पर उस पर उन्होंने अमल नहीं किया। और अजय टेनी मिश्रा जिन्होंने गाड़ी चढ़ाकर हमारे किसानों को जानबूझकर हत्या कर दी, उसका भी कुछ वो नहीं किया उसके साथ भी। वो जेल में तो थे? नहीं, जेल में थे। जेल का मतलब क्या हुआ? उन हाँ अजय कुमार मिश्रा टेनी जी जेल में तो गए नहीं, उनका बेटा गया था। तो जो आशीष मिश्रा कहने का मतलब, अजय कुमार मिश्रा उर्फ टेनी को जेल भेजा जाए। अच्छा। और आजीवन कारावास हो ऐसे लोगों को जो दिन दहाड़े हमारे किसानों पर गाड़ियां चढ़वा दे रहा है, उनको इतनी खुली छूट दे रहे हैं। जबकि मोदी सरकार हमेशा बोलती है हम किसानों के जवानों के हित में काम करते हैं, गरीबों के हित में काम करते हैं, उसके बावजूद भी ये दशा है, कौन सी सरकार आएगी? देखिए, सरकार किसकी आएगी किसकी नहीं आएगी इसके बारे में मुझे कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि सरकार बहुत नहीं, जिस तरीके से काम करिए आप लोग, इतनी तादाद में आप यहाँ पे मौजूद हैं, जाहिर सी बात है कि आप लोग नाखुश हैं सरकार से, सरकार की नीतियों से नाखुश हैं। तो इस बार आप लोग किसको, कौन ऐसा नेता बनेगा जो किसान के हित में काम करेगा? देखिए, मैं ये मेरा विचार है, मैं किसी और पे नहीं थोपना चाहती हूँ। मेरे विचार से कोई और ऐसा नेता भी नहीं है जो मतलब कि सरकार बनेगी जिसकी, हम वर्तमान सरकार के नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। सिर्फ वो अपनी नीतियाँ चेंज कर ले, हमको सरकार से कोई गिला शिकवा नहीं है। वो सिर्फ किसानों के लिए जो कृषि कानून बनाए हैं उसको सही कर ले, हमारी लड़ाई यही है। और हमको व्यक्तिगत उनसे या हमारी उनके सरकार से थोड़ी लड़ाई है। नहीं तो सरकार तो हिंदू राष्ट्र बना रही है, राम मंदिर बना दिया। ये राम मंदिर का मुद्दा था, चाहे जिसकी भी सरकार होती, वो तो कोर्ट के द्वारा हुआ था तब राम मंदिर बन रहा है। सरकार क्या कर रही है, धारा 370 हटा दिया, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करें, अमृत काल है, उसके बाद महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कर रही है। अमृत काल एक छलावा है, महिलाओं के लिए भी कुछ नहीं कर रही है। और रही बात क्या, महिलाएं सुरक्षित है, पढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, और क्या चाहिए? जिसकी भी सरकार होती है वो अपनी वाहवाही के लिए
करती है, बहुत सारे काम करते हैं। पहले ये बताइए, कोई भी काम होगा वर्तमान सरकार जो है उसी के खिलाफ तो हम आवाज़ उठाएंगे। आज आज भाजपा की है तो भाजपा के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, कल कांग्रेस की आई कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन आंदोलन तो होता ही रहेगा, क्योंकि जो भी सरकारें अभी तक आई हैं वो किसानों के हित में कोई कार्य नहीं किया है, इसलिए आंदोलन होगा, निश्चित होगा। तो किसान फिर अब की बार अगर किसान की बात मानेगी सरकार, आपको क्या लग रहा है? सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, मनाएंगे, और फिर 2024 का चुनाव आने वाला है, जवाब दिया जाए। वोट की चोट जिससे जब हम सरकार बना सकते हैं तो सरकार गिरा भी सकते हैं ना, ऐसा तो है नहीं? 2024 में सरकार गिरेगी? नहीं, गिरेगी या नहीं गिरेगी वो तो वक्त बताएगा, अगर वो सुधार कर लेते हैं तो हम लोग भी सुधार कर लेंगे। अभी तो चुनाव आगे में है, वो तो सुधार कर लेंगे, फिर तो उनकी सरकार बनेगी और फिर वापस कहीं कर लेंगे। नहीं नहीं, वापस जो चीज हो जाता है वापस कहाँ होता है, वापस होने देंगे क्या? ये भारत का किसान है, सबका पेट भरने वाला किसान है, अगर हमारा किसान भूखा है सड़कों पर है तो ये किसान सरकार की नाकामी है, अपनी नाकामी छुपाने के लिए सरकार चाहे जो करे। सरकार की नाकामी आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? विश्व पटल पे भारत अपना नाम रोशन कर रहा है, विश्व पटल पे भारत अपने देश को भी बेच दिया है, ये भी तो नाम रोशन बेच दिया है, रेलवे बेच दिया, तेल बेच दिया, सारे सब चीज तो प्राइवेट सेक्टर कर दिया, देश को तो नौकरियां मिलेंगी लोगों को। अच्छा, तब नौकरियां मिलेगी, सरकारी सेक्टर को सब बेच के प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तब नौकरियां मिलेंगी, ये भारत सरकार की योजना है, फिर सरकार बनाने क्या जरूरत है, प्राइवेट सरकार भी रहे, सरकार भी प्राइवेट रहे, हम 6 महीने में बदलते रहेंगे, नौकरियां देते रहेंगे, ऐसे जैसे नौकरी तुम दे रहे हो वैसे 6 महीने में सरकार भी बदली जाए। हिंदू राष्ट्र के खिलाफ हैं आप? नहीं, मैं किसी राष्ट्र के खिलाफ, हिंदू राष्ट्र बनाओ या मुस्लिम राष्ट्र बनाओ, जमा अमन चैन देश में होना चाहिए, चाहे जो राष्ट्र बनाओ, हमसे इससे नहीं मतलब, देश में अमन चैन रहना चाहिए, हिंदू राष्ट्र कभी बन ही नहीं सकता, नहीं बन सकता, मैं घोषणा कर रही हूँ, कभी नहीं बन सकता हिंदू राष्ट्र। हाँ, ये है कि हमारी जो सनातन संस्कृति विलुप्त हो रही थी उस पर ये आगे जोर डाल रहे हैं, हम फिर पुरानी अपनी पद्धति या संस्कृति पर आ सकते हैं, ये बात है, लेकिन हिंदू राष्ट्र कभी नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये हमारा देश ना अनेक धर्मों का, अनेकता में एकता का प्रतीक है, कभी ये यहाँ से किसी और जाति को हटा नहीं सकते, जब तक यहाँ से अनेक जातियाँ नहीं हटेंगी तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंदू होना। खुद गरीब परिवार से चाय बेच के प्रधानमंत्री बने और आप बोल रहे हैं किसानों के हित में काम नहीं कर रही, कर रही है किसानों? अगर वो किसान के बेटे होते तब किसानों के हित में काम करते ना, वो तो चाय गरीब माँ के बेटे, वो गरीब माँ के बेटे हैं, मैं कह रही हूँ, मैं सम्मान करती हूँ मोदी जी का, उनकी माँ का, कि वो चाय बेचकर आज प्रधानमंत्री बने हैं, तो वो जो चाय बेचने वाला कौन होता है? व्यापारी, व्यापारियों को बढ़ावा दे रहा है, किसानों को नीचे गिरा रहा है। कौन से व्यापारियों को बढ़ावा है? देश अडानी अम्बानी कौन है, व्यापारी नहीं है देश के, खोले आम देश के सारी संपत्ति अब अडानी अम्बानी को उन्होंने वो सौंप दिया। सबसे अमीर व्यक्ति है, अमीर है, कितने करोड़ भारत का कर्ज उनके ऊपर है, किसी को पता है? आपको पता होगा, आप बताइए कितने करोड़ भारत का कर्ज है, कर्ज लेकर अमीर बनना अमीरी कहलाएगी क्या? जिस दिन अडानी बैठ जाएगा उस दिन भारत देश बिक जाएगा। अडानी हिंडनबर्ग का भी आप आया होगा वो न्यूज, आप भी सुनी होंगी हिंडनबर्ग वाला, अडानी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। क्यों, उनके यहाँ कोई अर्थव्यवस्था की खेती होती है क्या? वो काम देते हैं लोग, पेड़ उगाते हैं उससे पैसा खींचते हैं, वो काम देते हैं लोगों को। क्या काम देते हैं? या इसका मतलब भारत सरकार जो चल रही हो अडानी को, अडानी चला रहा है ना कि मोदी चला रहे हैं? आपके कहने का मतलब यही हुआ, आपके प्रश्न का उत्तर यही हुआ कि भारत सरकार जो है अडानी चला रही है। नहीं, अडानी के पास बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कंपनियां आई कहां से? अडानी के पास कंपनियां आई कहां से? देखिए, आज जो रामलीला मैदान में हमारा देश का किसान जुटा है, सरकार कोई भी रही हो, किसान कौम हमेशा दुखी रही है, हर सरकार ने उनके साथ जुल्म किया है, जाति की है, झूठ बोला है, और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने किसानों के दर्द को, मैं किसान आंदोलन का राइटर था और यहाँ के लिए भी मैं विशेष तौर पे कविताएँ लिख के लाया हूँ, जो हमारी मुख्य मांगे मैंने कविता के माध्यम से रखना चाहूँगा। 2 रुपए किलो में बिकता आलू, मारी प्याज मुफ्त में लुटती,
दो रुपए किलो में बिकता आलू, मारी प्याज मुफ्त में लुटती। अरे साहूकार का रोज तगादा, साहूकार का रोज तगादा, ना मिले कर्ज से मुक्ति। दो रुपए किलो में बिकता आलू, मारी प्याज मुफ्त में लुटती। हम कैसे पढ़ाएं बच्चों को, अब कैसे चलाएं जीवन को। हम कैसे पढ़ाएं बच्चों को, हम कैसे चलाएं जीवन को। अरे मुफ्त में लुटती फसल हमारी, मुफ्त में लुटती फसल हमारी, हमें एमएसपी नहीं मिलती। दो रुपए किलो में बिकता आलू, मारी प्याज मुफ्त में लुटती। अरे साहूकार का रोज तगादा, साहूकार का रोज तगादा, ना मिले कर्ज से मुक्ति। अरे संसद में कोई बात करे ना, संसद में कोई बात करे ना, किसे सुनाए कोई सुने ना। निरंकुश है सरकार हमारी, ना बात हमारी सुनती। दो रुपए किलो में बिकता आलू, मारी प्याज मुफ्त में लुटती। अरे सदा रहे ना राज तुम्हारा, सदा रहे ना राज तुम्हारा, क्यों करते हो अपमान हमारा। सदा रहे ना राज तुम्हारा, क्यों करते हो अपमान हमारा। आम चुनाव है 24 में, आम चुनाव है 24 में, तुम्हारी हो जाएगी छुट्टी। दो रुपए किलो में बिकता आलू, मारी प्याज मुफ्त में लुटती। उन्होंने सरकार को इस कविता के जरिए बहुत खरी खोटी सुनाई है, और इन्होंने ये भी कहा है कि 2024 में तुम्हारी छुट्टी कर देंगे, तो क्या कहना चाह रहे हैं सरकार से आप? सरकार को मैंने एक सीधा संदेश ये है, या तो अडानी अंबानी के साथ रिश्तेदारी खत्म कर दे, देश के किसान मजदूर नौजवान इनके साथ साफ़ से पाई पेश आए, नहीं तो 24 में तुम्हारा रास्ता वही होगा जहां पहले हमने कांग्रेस को पहुंचाया था। और मैंने उस अडानी को ध्यान में रख के एक लाइन लिखी है, आप ये जरूर दिखाना कोशिश करें। अरे सेठ अडानी लूट के खा गया सारा माल गरीबों का, सेठ अडानी लूट के खा गया सारा माल गरीबों का, गरीबों को रोटी के भी लाले भरता नहीं पेट अमीरों का। भ्रष्टाचार का खेल हो गया, सरकारी सिस्टम फेल हो गया। अरे देश लूट कर अमीर हो गए, देश लूट कर अमीर हो गए, कोई नाता नहीं तकदीरों का। सेठ अडानी लूट के खा गया सारा माल गरीबों का, इनके हिमायती सरकार चलाते, नज़र में उनकी क्यों नहीं आते। इनके हिमायती सरकार चलाते, नज़र में उनकी क्यों नहीं आते। और इन पर कोई हाथ न डाले, इन पर कोई हाथ न डाले, कोई डर नहीं जंजीरों का। सेठ अडानी लूट के खा गया सारा माल गरीबों का, ना मीडिया कोई खबर दिखाए इन बेशर्मों को शर्म ना आए, ना मीडिया कोई खबर दिखाए इन बेशर्मों को शर्म ना आए। ये करें गुलामी अमीरों की, ये करें गुलामी अमीरों का, कि ना करते काम भलाई का। सेठ अडानी लूट के खा गया सारा माल गरीबों का। अडानी तो अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, और आप उनके खिलाफ इतने नारेबाजी कर रहे हैं। आपने एंडरसन के द्वारा, अडानी ने कौन सी अर्थव्यवस्था, हिंडनबर्ग की के द्वारा जो पेश रिपोर्ट जो आज दिखाई गई है, उसको आपने यथा तरीके से देख लिया होगा। इसमें आज वो 40वें नंबर पहुंच चुके हैं। 12 लाख करोड़ रुपए को देश को इन्होंने घाटा दिया है, सरकार उसके पीछे पूरी तरह से लगी हुई है। टीवी नहीं देखते हैं, टीवी पे फिर से उन्होंने वही हासिल कर लिया है मुकाम। देखिए मैंने अभी आपको क्या कहा, मीडिया, जिस देश का मीडिया गुलाम हो गया हो, क्या बोल रहे हैं आप,
जिस देश का मीडिया गुलाम हो गया, बिक गया हो, चौथा स्तंभ इस देश ने, संविधान ने उसको इतनी शक्ति दी थी कि वो गरीब की, मजदूर की, नौजवान की, कौन सा मीडिया बिक गया है, नाम लेके बताइए। देखिए आप तो यूट्यूब चैनल वाले लोग हैं, आपने हमारा किसान आंदोलन बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिससे हमें जन जन तक अपना आंदोलन, ये नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं किसान आंदोलन में 130 से ज्यादा मैंने कविता लिखी किसान आंदोलन के लिए, और अपनी मैंने दर्द हमेशा किसानों के साथ में खड़ा रहा। बुलंदशहर से आकर मैंने डेरा मैंने गाजीपुर बॉर्डर पर डाला। हिंदू राष्ट्र बन रहा है, खुश नहीं है? आप याद रखिए, हिंदू राष्ट्र बनने के बाद कल को सिख कौम कहेगी हमें सिख राष्ट्र चाहिए, मुस्लिम कौम कहेगी हमें इस्लामिक राष्ट्र चाहिए, बौद्धिस्ट कहेंगे हमें अपना बौद्धिस्ट राष्ट्र चाहिए। तो क्या संविधान ने किसी को, जब लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाने का, राम मंदिर बन गया, खुश नहीं है? तो हम देख क्यों खुश हो जाएंगे हम, कि इस देश के अंदर हिंदू ही रहते हैं क्या, अन्य धर्मों के लोग नहीं रहते? इन बेशर्मों को शर्म नहीं, बेशर्म हुए ये फिरते हैं, और बिन पिए तो गिरे हुए ये उठकर गिरते फिरते हैं, इनको शर्म नहीं रही है। आज ये निरंकुश हो चुके हैं, देश को इन्होंने बेच दिया, विपक्ष को इन्होंने डरा दिया, किसको छोड़ा है, लेकिन को डरा दिया, नहीं डरेगी विपक्ष, राहुल गांधी के सपोर्ट में आप बोल रहे हैं? देखिए राहुल गांधी ही नहीं, सारा विपक्ष, आप RJD को ले लीजिए, आप ममता बनर्जी को ले लीजिए, समाजवादी पार्टी को ले लीजिए, मायावती, बहन मायावती जी को तो अभी तक सांस ही नहीं आ रही है, उनको ले लीजिए, किसको इन्होंने छोड़ा है? आज ये क्या पिछले बड़े सराफत के धुले हुए हो गए, इन्होंने सारे देश को लूट के खा गए, बेच दिया, ऊपर से डराते हैं, और ऊपर से इनकी मीडिया, निकम्मा मीडिया जिसने अपने अधिकारों का खुद उनके पैरों में डाल दिया, जिसको हमेशा संविधान, तो आप बोल रहे हैं मीडिया मोदी जी के पैरों में है? आप नहीं जानते क्या, आपकी कितनी खबर दिखा रहा है, आप न्यूज देख लीजिए, आप भी, आप घर जाकर देखना, न्यूज चैनल पर देखना, किसान आंदोलन रामलीला मैदान का इन्होंने कितना कवरेज किया। मैंने कितने मीडिया वालों को, मैंने स्पेशली अपने आप बोला, जानबूझ के बोला, मुझे माल में दिखाएंगे तो है नहीं, मैंने जानबूझ के उनको बेइज्जती किया, मेरे भी कोई शर्मा आ रही है कि हमें दिखाने में, या डर गए हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा हमने ऐसे बना लिया है, ऐसा ना हो कि हम आपका बना के ले जाना दिखा पाएं, तो मैंने इतना डर है तो घर में से निकल के क्यों आए? भारत पूरे विश्व पटल पे अपना नाम रोशन कर रहा है। देखिए भारत विश्व पटल पे अपना नाम कर रहा है तो आप ये भी देख सकते हैं कि देश के हालात क्या है। आप जो मीडिया विश्व पटल पे हमको नंबर वन दिखाने लग जाएगा तो देश के अंदरूनी हालात आप देख रहे हैं, क्या हालात गुजर रहे हैं। मजदूर आज 12 घंटे नौकरी करने को मजबूर है, किसान एक साल से आंदोलन में सड़कों पे रहा, आज फिर किसान सड़कों पे है, उसको MSP नहीं मिलती है, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, उसकी फसल फ्री में लुट जाती है। 2024 में जिता देंगे मोदी जी को, अब सारी जो भी परेशानी है किसानों की वो हर ली जाएगी, पूरी हो जाएगी। देखिए 2024 में तो BJP को वोट तो ना, आप अच्छा आपने कितनी भी साजिश कर लें, ये चाहे विपक्ष भी इनका गुलाम हो जाए, देश की जनता इनकी गुलाम नहीं हो सकती, देश की जनता ने इनको सही तरह से पढ़ लिया है, जान लिया, पहचान लिया। खबर नहीं देखा है, लगता है आपने खबर नहीं देखा। गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए 2024 में तो मोदी जी ही आएंगे। देखिए इनके पास जो EVM मशीन रखी हुई है उसके भरोसे पे ये कह सकते हैं, जो इनके जो चुनाव आयोग इनकी जेब में रखा हुआ है, इनके जो अधिकारी जिले लेवल पे बैठे हुए वो इनके भरोसे कह सकते हैं। 2022 के चुनाव की काउंटिंग में मैं उस एरिया में था जहां 2 किलोमीटर तक इन्होंने इस तरह से बैरिकेडिंग कर दी थी कि अंदर का आदमी बाहर नहीं, बाहर का आदमी अंदर नहीं। तो क्या हो रहा था अंदर? अंदर यही हो रहा था, जो भी जाएगा BJP के जीत के जाएगा, और उन्होंने जिता के भेजा, तो वहां तो विपक्ष डरा हुआ था। अब ये जनता समझ चुके विपक्ष, किसान क्या करेगा, अगला कदम किसानों का क्या? किसान हमेशा एक ऐसी कौम है जो किसी से न डरी है न डरेगी, वो पूरे देश को खिला सकता है, तो इस सरकार को झुका भी सकता है। हम इनको 24 में झुका कर दम लेंगे, और इसी तरह से हमारा आंदोलन अब शुरू हो गए, ये चलते रहेंगे बराबर। चुनाव से पहले अगर आप लोगों की मांग पूरी हो गई तो 2024 में तो मोदी सरकार आएगी। देखिए अभी आपने देखा होगा किसान आंदोलन जब इन्होंने वापस लिया था अपनी, जो इन्होंने कृषि बिलों को वापस लिया था, तब भी इन्होंने काले कानून को जो वापस लिया तब भी आपने देखा होगा, इन्होंने तब भी कहा था हम आपकी मांगों को मानेंगे, कितनी इन्होंने हमारी मांग मांगी। तो इनकी जो रग रग में जो साजिश है, तो इनसे अब जनता ऊब चुकी है, इनके किसी भी जाल में, जंजाल में, और उनके
उसमें फंसने वाली नहीं है। इनको 2024 में वोट की चोट देंगे, इनको 2024 में वोट की चोट दी जाएगी और इनको वही पहुंचाया जाएगा जहां 2024 में 14 में कांग्रेस को पहुंचाया गया था। आज देश की जनता इनसे उब चुकी है। किसको वोट देंगे 2024 में, कौन बनेगा नेता? देखिए अभी विपक्ष एकजुट हुआ तो ठीक है, यानी देश का किसान मजदूर नौजवान ये देखेगा कि हम बीजेपी के अलावा कौन सी पार्टी मजबूती से इनको हराने में सक्षम है, वोट उसको दी जाएगी। आपको लगता है कि बात मानी जाएगी जो अभी जो आप लोग इतना जो भरे मतलब जन आंदोलन लेके आए हुए हैं, जन सैलाब लेके आए हुए हैं रामलीला मैदान में, आपको लगता है भारत सरकार आपकी मांगे पूरी कर देगी? मैं आपको एक स्पष्ट कर दूं, अगर यदि सरकार को सही मायने में मशीनों पे भरोसा है तो हमारी मांगों को नहीं मानेगी। उनको चुनाव आयोग पे भरोसा है कि वो हमारे फेवर में काम करेगा, जिले में बैठे अधिकारियों भरोसा है कि वो हमारे फेवर में काम करेंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि तो ये सरकार हमारी मांगों को मान सकती है। अगर यदि हमारी मांगों को नहीं मानते तो इन पर उनको पूरी तरह भरोसा है और ये हमारी मांगों को नहीं मानेंगे। आपकी इस पूरी वीडियो पे क्या कमेंट है, क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।